देश की सबसे अमीर महिला और जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल ने कांग्रेस छोड़ दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। सावित्री जिंदल आज भाजपा में शामिल हो जाएंगी। सावित्री जिंदल उद्योगपति एवं पूर्व सांसद नवीन जिंदल की माता हैं। उन्होंने बुधवार को जिंदल हाउस पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को बेहतर बताया। नवीन जिंदल ने होली से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। भाजपा ने उन्हें लोकसभा कुरुक्षेत्र सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसी क्रम में उनकी मां सावित्री जिंदल ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। सावित्री जिंदल पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में मंत्री रह चुकी हैं। उनके पति स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल भी कांग्रेस में राज्य मंत्री रह चुके हैं। कि बेटे के भाजपा में शामिल होने का फैसला पूरे परिवार का है। कांग्रेस से भी कुछ समय पहले चुनाव लड़ने का ऑफर आया था, लेकिन उस समय चुनाव लड़ने का मन नहीं था। अब वे भाजपा में शामिल होकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायता देंगी और भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगी। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहला लक्ष्य लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल की जीत सुनिश्चित करना है। विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।